परेशानी थी, नहीं कराया है, कोई दवा नहीं खाई है, एक जल दिया है जी, गुलाब जल है ठीक है, हाथ में अगरबत्ती है। कितना सही है, कैसे कैसे आपने क्या किया? देखिए इसके पेट में पथरी और अनेक प्रकार के पित्त में वगैरह क्या क्या, बाबा हमारे घरों में फिर से खुशियां वापस, फिर से खुशियां वापस। बोलो मस्त मलंग, यहां पे आना है, यहां का एड्रेस, यहां का पता चाहिए तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वागत करता हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं आ गया हूँ सुकरौली सिद्धेश्वरनाथ सिकरौली वाले बाबा के पास, जो कि आज रविवार है और रविवार के दिन यहाँ पर खास लोगों का भीड़ भी रहता है, चलते हैं मिलाते हैं वहाँ पे बाबा जी से, बाबा जी से कुछ बातें पूछेंगे जो लोगों की परेशानियाँ होती हैं, देखते हैं क्या होता है पूरे ब्लॉग में। अभी बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं, भीड़ लगा हुआ है देखिए वहाँ पर। कहाँ से हैं भैया? भैया हम पादरी बाजार जंगल दूसरा भट्टा कॉलोनी गोरखपुर से आए। पादरी बाजार जंगल दूसरा भट्टा कॉलोनी गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। हाँ। हमने यहाँ पे बड़ा नाम सुने हैं, हमारे मित्र ने हमको बताया था कि वहाँ पे एक बाबा है ठीक है, जहाँ पे सबके मन्नतें पूरी होती हैं। तो हम आए, हम यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा था, सुबह से शाम हो गया। तो उस दिन बाबा बैठे भी नहीं थे, फिर अचानक मतलब हमारा सौभाग्य था कि दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन प्राप्त हुआ, हम लास्ट में ऐसे ही खड़े रह गए, झिझक थी मन में, कहें ना कहें। लास्ट में फिर हमारे मित्र के सहयोग से हम फिर कहें तो बाबा थोड़ा हम तकलीफ में है, परेशानी में है, क्या दिक्कत हो गया? हम कहे बाबा पेट में पथरी है और पित्त के थैली में है, बिना ऑपरेशन के हटेगा नहीं, अभी एक दो नहीं है, पूरा पित्त का थैली भरा हुआ है। अरे बाप रे, पथरी से 2 mm, 4 mm, 15 mm, 18 mm, 19 mm, सब भरा हुआ है उसमें, उसका ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है कि मतलब हम जाके ऑपरेशन का खर्चा उठा पाए, मतलब हमारे 30-40 हज़ार के लिए भी हम महंगे हैं। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं भैया, स्टडी करते हैं, हमारे पिताजी फेरी करते हैं कपड़े का, गाँव में फेरी जो लगाते हैं। अच्छा, आय का स्रोत क्या है आपका? आय का स्रोत वही पिताजी के माध्यम से है। फिर क्या हुआ? आप तैयारी करते, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ फिर हम बाबा के चरणों में अपनी बात रखे, बाबा तुरंत बोले क्यों परेशान हो, ठीक तो हम बताएं, तब उसके बाद कहे तुम्हारे पेट में पथरी है, कल नाम ही पूछे कहाँ से आए, बस यही पूछे, उसके बाद कहे आपके पेट में पथरी है, परेशान है, दर्द रहता है, गैस बनी रहती है, दिक्कत बनी रहती है, जाओ आज से आराम हो जाएगा ठीक। अच्छा, तो हमें अपना आशीर्वाद दिए, अपने चरणों का आशीर्वाद दिए। उसके वो तब दिन था, करीब 2 महीने हो गए, 2 महीने की बात है और एक आज का दिन है। मैंने कि 2 महीना पहले आप आए थे तब तो परेशानी थी, नहीं कराया है, कोई दवा नहीं खाई है, एक केवल बाबा का भभूत खाया है, एक बाबा अपने हाथ से चुटकी से भभूत दिए थे खाया है और फूल प्रसाद के रूप में दिए थे, उसके बाद बस उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। तो इसी तरह हमने एक दर्द, एक परेशानी, एक यानी आप पूर्णतः ठीक ठाक हैं? हाँ, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो भैया इसका मतलब पूर्णतः ठीक ठाक हैं और बाबा का आशीर्वाद है और हम चाहते हैं जैसे मेरे ऊपर कृपा करें वैसे लगभग सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और उनके जीवन को सुधारें। आप सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमें लग रहा है कि दुनिया दवाओं पर विश्वास करती है ठीक है, लेकिन दुआ पे भी विश्वास करिए, एक बार आइए, एक बार मिलिए ठीक है। कहाँ पर? अपना पता है सुकरौली, सुकरौली में है हम। जी जी, पूरा नाम बताइए ठीक है। सुकरौली सर्वेश्वर धाम सुकरौली, पूज्य श्री सिद्धि बाबा जी जी, ये यहाँ पे होंगे, ऐसा कोई दिखावा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ढंड का मंडल है दुनिया भर का ठीक जी, और बाबा का जिस पे कृपा रहती है उसको बता देते हैं, उसी को ठीक करते हैं, ऐसा नहीं कि होड़ लगी रहती है या घूस लेके लगा रहता है, आगे पीछे लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या मतलब कि आपको मिला यहाँ पे, बाबा जी ने क्या दिया आपको, हमको आप बता सकते हैं क्या क्या चीजें मिली? साथ दिया है, एक गंगा जल दिया है जी, गुलाब जल है ठीक है, हाथ में अगरबत्ती है और हाथ में फूल है जी, यही आशीर्वाद के रूप में दिया है। अच्छा, कैसे इसको आप प्रयोग करते हैं? आज ये पहली बार हम ले जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जब आए थे तो हम अच्छा, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे। अच्छा, अच्छा, और आशीर्वाद भर के मिला था, तबीयत ठीक है। आज हम जी किसी को देखे हैं तो हम भी ले लिए कि ले लेते हैं जी जी जी, लेकिन ये आशीर्वाद के रूप में ले जा रहे हैं, ये सोच के लिए। इससे जैसे मेरा एक जो जो शरीर चीर के जो ऑपरेशन होने वाला था, हाँ, जो सबसे बड़ी बात थी जिंदगी में, जो चीरने कटने फिटने वाला हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना हम जान रहे हैं कि जो टाका अंदर से नहीं लगा वो पूरी जिंदगी में जो हम नहीं देख पा रहे भविष्य में क्या होने, वहाँ भी कोई चीरा फारी टाका नहीं लगेगा। सही बात नहीं, ये तो सही है, आपका विश्वास है तो पूरा होगा, अब बाबा का आशीर्वाद है तो पक्का ही होगा, पक्का होगा, एकदम हो ही गया जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोलिए मस्त मलंग बाबा जी की, मस्त मलंग बाबा जी की। तो इस तरह से आपका ये सब कुछ ठीक ठाक हुआ, आज फिर आप
दिसंबर महीने में आए हैं और आज पहली बार प्रसाद ले जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार जब आए थे तब अपनी परेशानी को लेकर आए थे, पथरी था इनको, तो पथरी इनका बिना कुछ किए कोई प्रसाद यहाँ से ले गए, खाए और ठीक ठाक हो गए, और अब जो है फिर आए हैं, तो अब आज ये सब ले जा रहे हैं, प्रसाद जो है आशीर्वाद के रूप में ले जा रहे हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सो दोस्तों चलिए बाबा जी से जानते हैं, इनके विषय में हम आ चुका हूँ बाबा जी के पास, बाबा जी से मिलते हैं और उनसे थोड़ा सा दो बातें पूछेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप सब देख सकते हैं कि बाबा जी के साथ यहाँ पे कुछ भक्तगण लोग खड़े हैं। बाबा जी प्रणाम। आज देखा हूँ यहाँ पे आया हूँ, एक भैया जी से मैंने बहुत सारी बातें की, वो गोरखपुर से आए थे, पता नहीं याद आ, लेकिन गोरखपुर तो पूरा याद आ रहा है पता कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हम आए थे, पथरी हमको हुआ था, और पथरी हुआ था तो आपने प्रसाद दिया उनको, ठीक हो गए, ठीक। आज फिर दो महीने बाद आए हैं और आज फिर परेशानी जो थी, परेशानी बताया, लेकिन प्रसाद के रूप में आपने उनको कुछ दिया है आशीर्वाद के रूप में, तो कितना सही है, कैसे कैसे आपने क्या किया? देखिए लोगों का विश्वास है जी, प्रेम है, जिस तरह पहले संतों को लोग मानते थे, साईं बाबा या कबीर बाबा जी, रविदास जी, देवराव बाबा, नक्को बाबा जी, या हथियागढ़ के नईम बाबा, महाराजगंज के जी जी जी, ये अनेक प्रकार के संत फकीर आए जी, और आज भी हैं जी, बहुत अनेक प्रकार के संत फकीर हैं, पीर हैं जी जी। तो लोगों का विश्वास भाव है जी, तो उनके पास दर्शन करने जाते हैं, जब दवाएं से पस्त हो जाते, परेशान हो जाते हैं जी, तो समझ जाते हैं कि अंतिम में परमात्मा का ही आसरा है। बिल्कुल, दवा और दुआ दोनों का नियम है जी। जब प्रथम आप दवा करवाइए, पहले मैं बोलता हूँ कि आप दवा करवाइए, क्योंकि मिट्टी का पुतला बना हुआ शरीर, पहले दवा की जरूरत है जी जी। आप दवा से थक जाते हो तो अंतिम में तो परमात्मा की विश्वास है, भरोसा है, उनके बाद कोई बचाने वाला नहीं जी जी जी। तो दुआ का मतलब आशीर्वाद है, अगर किसी का आशीर्वाद लग गया तो हो सकता है जिंदगी बच जाए, इंसान की बीमारी दूर हो, ठीक हो जाए। तो इस तरह से हमारे यहाँ लोग हार के आते हैं, पहले दवा कराते हैं, चारों तरफ से दवा करवा करके तांत्रिकों के पास जाते हैं, सोखा ओझाओं के पास जाते हैं, मौलवी मौलाना से, यानी चारों तरफ से जब थक जाते हैं, पस्त हो जाते हैं जी, तो एक संत समझ करके यहाँ आते हैं कि काई कोई संत है जी, और जिनकी आशीर्वाद दुआ से हमारी हो सकता है बला बीमारी दूर जी जी जी। यह लड़का भी यही सुन के कुशीनगर गोरखपुर से आया था जी, और इसके पेट में पथरी और अनेक प्रकार के पित्त में वगैरह क्या क्या बहुत पथरी जी जी जी। तो हमने बोला कि तुम्हारे पेट में दर्द होता है, सर पैर में दर्द, घबराहट होती है जी। बोला बाबा जी यही सब कुछ होता है, दर्द दवा करा करके हम हार चुके हैं जी जी। तो हमने बोला देखो एक काम करो, अगर भोले बाबा पे विश्वास है, मालिक पे, तो दवा तो करा ली, अब दवा ही है बचा। जी जी जी। तो हमारे चुटकी से एक चुटकी भभूत खाओ, हमने उनके नाम लेकर दे रहे हैं मालिक की, अगर लोगों का कल्याण करते सबका भला तो तुम्हारा भी हो जाए। बिल्कुल। और इस तरह करके वह एक चुटकी भभूत दिया और 7 दिन खाने का आदेश किया जी। 7 दिन खाया है, उस बच्चे को आज 3 महीने हो गया, और आज तक पेट में ना दर्द हुआ, ना कोई अल्ट्रासाउंड हुआ जी जी, पथरी का शिकायत खत्म हो गया जी जी। और इस तरह यहाँ हजारों का हुआ है जी जी, शुगर, चर्क, कोर, कैंसर, मिर्गी बीमारियां, मैंने अनेक प्रकार की बीमारियां जिनकी जैसी भाव विश्वास है, उस भभूत फूल पुष्प से अंतिम में जब दवा नहीं काम करती तो दुआएं काम करती हैं। लोगों का विश्वास है, भाव है, अंतिम में जब जान जाते कोई नहीं बचाएगा तो परमात्मा पे विश्वास करना ही पड़ता है जी जी। और लास्ट में परमात्मा पे विश्वास होने के बाद परमात्मा कृपा कर देते हैं और उनका भला हो ही जाता जी है जी जी। आज वह दूसरा कुछ मैटर लेकर लड़के आया था जी जी जी। आज का मैटर उसका था, उस पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद है जी, जो मैके उसकी पत्नी नाराज होकर चली गई है जी जी। उसका यही तमन्ना था कि हे बाबा हमारे घरों में फिर से खुशियां वापस, फिर से खुशियां वापस, हमारे बाल बच्चे परिवार हमारे साथ रहे और अच्छे से हम लोग मिलकर रहने लगे जी जी। बाबा का यही आशीर्वाद है कि 15 दिन के अंदर उसके घर में खुशियां आ जाए वापस, अगर उसका यकीन है, विश्वास है, तो पक्का ये भी काम, जिस तरह पथरी खत्म हो गया इसी तरह उसकी पत्नी भी फिर घर में आ जाएगी, खुशियां वापस जी 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 जी। बोलो मस्त मलंग बाबा की, बोलो मस्त मलंग सिद्धि बाबा की, धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हरे हरे महादेव। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ का एड्रेस, यहाँ का पता चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का पता और यहाँ का एक जो हमेशा का चैनल है, कौन सा चैनल, नाम क्या नाम है, एक बार इधर आ जाइए अमित जी हमारे बताएंगे क्योंकि मुझे भूल जाता है। हाँ एक बार बताइए चैनल क्या नाम है बाबा जी का, जो यहाँ का चैनल है सर्वेश्वर धाम सुकरौली, आप लोग वहाँ पर जा करके बाबा का वीडियो देख सकते हैं, जिस पे सिर्फ बाबा से रिलेटेड वीडियो आते हैं जी जी। वहाँ पर जाकर आप लोग यहाँ का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी उस वीडियो में जो भी होगा बिल्कुल सत्यता होती है जी जी। और यहाँ का पता भी आप लोगों को मिल जाएगा,
तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब। तो आपने सुना कि अमित जी ने बहुत अच्छे से बताया, बाकी सारी वीडियो हर रविवार को यहाँ पे मिलती रहती हैं। दोस्तों आपने देखा बाबा जी से मैंने बहुत सारी बातें पूछी, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सच क्या कहा सबक है।